अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में स्थित हैदराबाद में बनने वाली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपने बताया थे कि WHO द्वारा 3 नवम्बर का डेट दिया गया है, यानी कि 3 नवम्बर को फिर से एक बैठक होगी जिसमें भारतीय कोवैक्सीन के हवाले से बातचीत की जाएगी अप्रूवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली 3 नवम्बर को WHO ने भारतीय कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब भारत में कोवैक्सीन लगवाने वाले किन किन देशों के लिए ट्रेवल कर सकते हैं और किन किन देशों के लिए नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, और किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए किन लोगों को नहीं, और WHO ने किन लोगों को कोवैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं दी है दोस्तों, और किन किन देशों ने इस कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए दोस्तों हम थोड़ा शुरू से बात करेंगे ताकि पूरी बात समझ में आ सके, क्योंकि दोस्तों अगर हम बीच से कोई बात बता देते हैं तो हो सकता है कि ना समझ में आए। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों भारत बायोटेक कोवैक्सीन इमरजेंसी यूज लिस्ट EUL के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज WHO को 9 जुलाई तक जमा कर दिए गए थे, लेकिन दोस्तों WHO की तरफ से अप्रूवल को लेकर हिचकिचाहट दिखाते हुए एक बार फिर से अगली डेट दे दी गई थी। वहीं दोस्तों WHO द्वारा कन्फर्मेशन के लिए भारत बायोटेक कंपनी से मांगे गए दस्तावेजों के आखिरी दस्तावेज 27 सितंबर को फिर से दोबारा जमा किया गया। तो दोस्तों भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कृष्णा एला ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द WHO से हमें EUL की मंजूरी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने में देरी को लेकर WHO के काम पर भी सवाल उठने लगे थे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका, ब्रिटिश और चीनी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए तत्काल इजाजत देने के बावजूद WHO कोवैक्सीन को इजाजत देने में हिचकिचाहट दिखा रहा था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में G20 की बैठक में भी कोवैक्सीन को लेकर WHO के इस रवैये पर मुद्दा उठाया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों WHO ने 3 नवंबर को भारत बायोटेक कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए EUL लिस्ट में शामिल करते हुए भारतीयों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देते हुए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है दोस्तों। वहीं दोस्तों WHO से मान्यता वाली कोवैक्सीन दुनिया की 7वीं वैक्सीन बन गई है। इससे पहले WHO ने अमेरिका की 3 कंपनियों को मान्यता दिया था, जिसमें फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, और ब्रिटेन की एस्ट्राजेनिका, और चीन की 2 कंपनियां सिनोफार्म और सिनोवैक की वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी कोविशील्ड के नाम से बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा केयर करके इस बात को सुनिएगा कि WHO ने भारत बायोटेक कोवैक्सीन को प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महिलाओं पर इसके प्रभाव और सुरक्षा तय करने के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं पर स्टडी की तैयारी की जा रही है अभी। वहीं दोस्तों WHO ने भारत बायोटेक कोवैक्सीन को लेने के लिए बाकी के 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए पहली डोज लेने के अंतराल 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों WHO से अप्रूवल मिलने के बाद उन तमाम भारतीयों के लिए एक बार फिर से एक खुशखबरी है जिन्होंने भारत में कोवैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट लगवा रखी है। अब उन्हें कोवैक्सीन लेने वाले को किसी भी दूसरे देश में जाने पर क्वारंटीन में नहीं रहना होगा जिन देशों ने भारतीय कोवैक्सीन को अपने लिस्ट में ऐड किया है दोस्तों। तो दोस्तों जिन देशों ने भारतीय कोवैक्सीन को अपने लिस्ट में ऐड नहीं किया था, अब वो बहुत जल्द ही भारत बायोटेक कोवैक्सीन को अपने लिस्ट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि WHO की तरफ से अप्रूवल मिल गया है दोस्तों। WHO से अप्रूवल मिलने से पहले इन देशों ने भी कोवैक्सीन को अपने यहाँ लिस्ट में ऐड कर लिया था, जिनमें से ईरान, नेपाल, फिलीपींस, जिम्बाब्वे, मॉरिशस और भी बाकी के देश शामिल हैं, और हाल ही में ओमान और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय कोवैक्सीन को अपने लिस्ट में शामिल किया है। यानी कि अब इन देशों में जो भी लोग भारत से कोवैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट लगवा कर जा रहे हैं उन्हें क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब ने अपने लिस्ट में कोवैक्सीन को शामिल नहीं किया है। उम्मीद है दोस्तों WHO से अप्रूवल अब मिल गया है, बहुत जल्द ही अपने लिस्ट में शामिल करेगा दोस्तों, तब वो तमाम भारतीय जो भारत में कोवैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट लगवा रखे हैं वो बहुत जल्द ही डायरेक्ट सफर कर सकेंगे सऊदी का। ऐसे में दोस्तों केवल उन्हीं लोग सऊदी अरब का डायरेक्ट सफर कर रहे हैं जिन्होंने सऊदी अरब में रहकर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट लगवा ली थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।